हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 1 फरवरी 2023 के मॉड्यूल में। ये थोड़ा सा लेट है, ठीक है, काम की थोड़ी कैसे व्यस्तता के कारण और साथ साथ में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कनेक्टेड इन द लास्ट वन वीक। ओके, सो ये 1 फरवरी का दूसरा मॉड्यूल आज ही आ जाएगा एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। आज क्या मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अदानी हिंडनबर्ग का इश्यू रिपीट करेंगे और उसके साथ साथ LIC का स्कैम, आजाद भारत का सबसे पहला बड़ा स्कैम किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी का क्या मुद्दा है और इंडिया ने अभी पाकिस्तान को क्या कहा, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। आर्मी के अंदर वुमेन ऑफिसर की पोस्टिंग के बारे में बात किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन को डिटेल में समझाएंगे दोस्तों आज का ये सेशन के अंदर, ठीक है। ये एक बड़ा मुद्दा, ये एक बड़ा मुद्दा, ये एक बड़ा मुद्दा, ठीक है। पैलेस्टाइन जेरूसलम का इश्यू, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो से पब्लिश किया गया था भारत में 2022-23 के बारे में, हम उसको क्विकली देखेंगे। आंध्र प्रदेश का कैपिटल का इश्यू, हिंडनबर्ग की स्टोरी में एक और ट्विस्ट, जर्मनी वर्ल्ड कप जीत जाता है हॉकी का, एंड IMF का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू, इसको मिस नहीं करिएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश IMF के पास पहुंचते हैं, श्रीलंका पहुंचता है, पेरिस क्लब के पास पहुंचने की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आपको इसमें पता होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ दिस अडानी हिंडनबर्ग इश्यू। आई एम श्योर वी ऑल नो दैट अडानी ग्रुप का जो रिसेंट स्टॉक मार्केट में ट्रबल हुआ, उसने स्टॉक मार्केट के ऊपर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है, विच मींस हमारे सेबी का जो रोल है, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा किया। ये समझो, अब अगर ऐसी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल पैदा होता है तो सवाल ये भी बनता है कि देश क्या सही तरीके से चलता है कि नहीं। कल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बड़े सवाल पूछे मोदी साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ। हाउएवर, है ना, हमें यह समझना जरूरी है कि इसके अंदर क्या गलतियां है, क्या क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़े आरोप है हिंडनबर्ग के द्वारा, विच इज US बेस्ड शॉर्ट सेलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है। सीबी हैज इंक्रीज्ड देयर स्क्रूटिनी ऑन अदानीज ट्रांसैक्शन, बट देयर आर नो ऑफिशियल वर्ड कमिंग फ्रॉम सीबी। इतने दिनों में सीबी की तरफ से जो बड़ा आंसर देना चाहिए, बड़े सवाल पूछने चाहिए, बड़े एक्शन लेने चाहिए, उसके ऊपर कोई बड़ी बात हुई नहीं, ठीक है। दोस्तों, भारत में स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर है सीबी। बैंकों के द्वारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उसका रेगुलेटर है RBI, और यही एक मौका था जहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस लाइक RBI, सेबी बाहर आते और लोगों के डर को शांत करते कि भैया हम सिस्टम संभाल रहे हैं, पर ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। एंड दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए आपको, भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर आइडियली पावर होना चाहिए, ठीक है, इन रेगुलेटर्स का, पर हमारे यहां पे कुछ संस्थाएं इतनी बड़ी बन जाती है, जैसे LIC या स्टेट सपोर्टेड बैंक्स, वो इतनी बड़ी है कि उनका रोल इज वेरी क्रूशियल इन मैनेजिंग द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि सीबी और RBI क्या कर रहा है उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि क्या SBI क्या कर रही है, LIC क्या कर रही है, वो एक बड़ा रोल बन जाता है, ठीक है, जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सही बात नहीं है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये सही बात नहीं है, ठीक है। रेगुलेटर्स आर जनरली वर्किंग फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, उनको सही मैसेज देना, सही एश्योरेंस देना, क्रेडिबिलिटी बरकरार रखना, ये उसका काम है रेगुलेटर का। अगर रेगुलेटर कोई तरीके से ये सब चीज करने से, है ना, से आगे नहीं बढ़ पाता, कहीं पे वो गलतियां कर लेता है, तो फिर ऐसी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस है वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। रेगुलेटर का काम है
कि ये सब चीजों को मैनेज करे कि भाई जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है उसको मैनेज करे, उसके अंदर कोई गफला करता है उसको तुरंत देखे, पर ये काम हो ही नहीं रहा है। भारत आज दुनिया को बता रहा है कि हम G20 की प्रेसिडेंसी लेकर बैठे हैं और इस G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर हम दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं, पर क्या करें, है ना। करीबन 2014 से लेकर 2022 के बीच में एक ऐसी कंपनी जो बहुत छोटी थी अचानक से बड़ी बन जाती है। कंपनी बड़े बनने में प्रॉब्लम नहीं है, पर बड़े बनने के अंदर जो तरीके अडॉप्ट करें वो तरीकों के ऊपर प्रॉब्लम है। तो अब हम चलते हैं इगेन से आजाद भारत का सबसे पहला स्कैम, है ना, आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम, ठीक है, विच इज नोन एज मुद्रा स्कैम, है ना। क्या स्कैम था? मुद्रा, हरिदास मुद्रा। क्या नाम दिया गया उसको? हरिदास मुंद्रा। ये भाई साहब ने ये बड़ा गलती करा था, ठीक है, इसको LIC स्कैम भी कहा गया, ठीक है, और ये आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम था। क्या स्कैम था? ये कोलकाता बेस्ड एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, हम बात करें 1957 की, ठीक है, उस समय पे आपको याद होगा 1956 में LIC बनाया गया था, 1957 में ये बड़ा स्कैम हुआ। मुंद्रा साहब को इच्छा थी कि ही बिकम्स अगला बजाज, है ना, अगला अंबानी, है ना, अगला टाटा, ठीक है, है ना, दैट इज उस जमाने में यही सबसे बड़े लोग थे, है ना, बजाज, है ना, देन टाटास, ठीक है, तो ये आगे उनको बढ़ने की इच्छा जरूर थी, बिरलास, है ना, ये उनको बढ़ने की इच्छा थी, तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने जाने की इच्छा रख रहे थे और उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में अपने पैसे लगाए और उन कंपनियों के भाव उन्होंने आसमान छुआ दिए उस जमाने में, है ना। स्टॉक मैनिपुलेशन बहुत इजी था, अलग अलग तरीके के से ब्रोकर को पकड़ो और ब्रोकर्स आपके शेयर प्राइस बढ़ा देता था, सीबी में भी तो था ही नहीं उस समय पे, है ना, तो ये बहुत इजी सिस्टम थी जो उन्होंने यूज करी और फिर ये कंपनी बहुत ऊपर तो उड़ गई। अब उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं और पैसे चाहिए, नहीं तो ये डूब जाता, ये डूब जाता तो इसके बहुत बड़े बड़े पैसे चले जाते। तो यहां पे LIC को कहा गया कि LIC आप अपने पैसे इसमें लगाइए। करीबन 1,26,86,100 रुपीस के शेयर्स इन्होंने कंपनियों में लगाए, उस जमाने में 1957 की बात है। इतना सारा पैसा LIC ने किसके कहने पर लगाया पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये स्कैम को पब्लिक में लेकर आए फिरोज गांधी, है ना, इंदिरा गांधी के सन, ठीक है, नेहरू के सन इन लॉ, उन्होंने इस स्कैम को पब्लिक में लेकर आए और उसके बाद नेहरू जी ने एक 1% कमेटी बिठाई, है ना, जो चागला कमेटी बिठाई, उस कमेटी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और बताया कि हाँ हरिदास मुंद्रा ने गलती करी और हरिदास मुंद्रा को 22 साल की जेल हुई, ठीक है। पर तब से लेकर अभी तक भारत में स्कैम्स चलते आ रहे और ये स्कैम्स सरकारों के सपोर्ट में ही चलते आते रहते हैं, ठीक है, चलिए ग्रेट, अगले मुद्दे पे चलते हैं, विच इज नोन एज इंडिया की कॉल टू पाकिस्तान की 63-year-old जो ट्रीटी है हमारी उसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, 63 years लंबा समय हो गया, जिस समय पे हमने ये ट्रीटी करी थी, जिस समय पे जो अग्रीमेंट किया था वो अग्रीमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता कि बरसों तक चलता रहे, 60 सालों के अंदर दुनिया बदल जाती है और दोनों देश की रिक्वायरमेंट बदल जाती है, ये सुनो। सो इंडिया ने पाकिस्तान को जनवरी 25 को एक नोटिस भेजी, इंडिया ने कहा दैट इट हैज बीन कॉम्पेल्ड टू कॉल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ दिस 63-year-old इंडस वाटर ट्रीटी ओइंग टू पाकिस्तान्स परसिस्टेंट ऑब्जेक्शन ओवर इंडियाज किशन गंगा एंड रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। भारत के अंदर एक किशन गंगा एंड एक रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर पाकिस्तान बड़ा हल्ला कर रहा है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी September 19, 1960 में, वी आर सिटिंग इन 2023, सो उस बात के करीबन 63 years हो चुके हैं, ठीक है। द ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाई वर्ल्ड बैंक,
है ना, उस जमाने में IBRD उसका नाम था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये ध्यान रहे, इंडिया पाकिस्तान में जितने भी प्रॉब्लम हुए है ना, उन 63 ईयर्स में हम काफी लड़ाइयां लड़े उनके साथ है ना, वॉर लड़े, छोटे छोटे स्कर्मिशेस हुए, बॉर्डर डिस्प्यूट हुए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कश्मीर का बड़ा मुद्दा हुआ। हाउएवर इंडस वाटर ट्रीटी दोनों देश के बीच में सही तरीके से चल रही है। ये दो देशों की दूरंदेशी, दो देशों की मैच्योरिटी, दो देशों के अच्छे रिलेशनशिप का एक सबूत है। तो ये एक अच्छी बात है, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करा था और कोई दूसरा कंट्री बीच में नहीं था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इस ट्रीटी के द्वारा इंडस रिवर बेसिन को दो भागों में तोड़ा गया, दो कंट्रीज को दिया गया। ईस्टर्न साइड की जो रिवर है ना, दैट इज गिवन टू इंडिया। कौन सी? रावी, बियास एंड सतलुज, ये इंडिया को दिया गया है ना, दिस केम इन द एंड ऑफ इंडिया। और जो वेस्टर्न साइड की रिवर है, विच इज इंडस, झेलम एंड चेनाब, दिस इज गिवन टू पाकिस्तान। ये सुनो, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसको दे दिया का मतलब क्या? उसका ये मतलब है कि नदी तो भाई इंडिया से ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नदी को हम जमीन से उखाड़ कर पाकिस्तान को दे देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सुनो, पर उसका ये मतलब है कि इस नदियों का पानी इंडिया कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है ना, उसका नॉन कंजम्पशन यूज कर सकता है। ये समझो, सो पानी का जो डिस्प्यूट है वो आसानी से हमने इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है ना, आसानी से सॉल्व कर दिया, बराबर है। कैसे किया? कि भाई इंडस, झेलम और चेनाब का जो पानी है वो इंडिया नॉन कंजम्पशन यूज के लिए नहीं, मतलब सॉरी कंजम्पशन यूज नहीं कर सकता, नॉन कंजम्पशन का यूज होगा उसका, विच मीन्स हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, पर हम उस पानी को स्टोर नहीं कर सकते। उस पानी को हम सब मतलब अपने पास रखे और पाकिस्तान को ना भेजे, ऐसा नहीं कर सकते। रावी बियास और सतलुज में कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस ट्रीटी के द्वारा वी एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है, वन कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री एंड दे विल इंप्लीमेंट दिस ट्रीटी, और बहुत सक्सेसफुल ट्रीटी चल रही है, ये समझना दोस्तों। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है ना, सो दिस इज वेरी क्रूशियल। अब भारत ने पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान काफी समय से भारत के किशनगंगा प्रोजेक्ट और रेटला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पैदा करता रहता है, ये सुनो। सो इंडिया इज अगेन से बिल्डिंग रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, विच मीन्स ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हम उसमें पानी को स्टोर नहीं करेंगे, ये सुनो, पानी को हम स्टोर नहीं करेंगे, ये सुनो। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, वहां पे पानी को रन ऑफ द रिवर, विच मीन्स वहां से हम सीधा है ना एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वापस दे देंगे पानी पाकिस्तान को। द वर्क ऑफ किशन गंगा प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2007 एंड इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड है ना इज बाई 2016। थोड़ा डिले होता रहता है। पाकिस्तान कैप रेजिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द डैम, ठीक है। एज फॉर इंडिया 850 मेगावॉट रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर, इस्लामाबाद रिपीटेडली रेज कंसर्न ओवर इट्स डिजाइन, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हमारे ऊपर है, ओके, इज दैट वेरी क्लियर। इंडस वाटर ट्रीटी का ये पूरा प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया भैया। आगे बढ़ते दोस्तों, कमांड पोस्टिंग फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। भारत में आर्मी के अंदर वुमेन की एंट्री है ना रिस्ट्रिक्टेड थी, पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसके द्वारा वुमेन वर प्रोवाइडेड द कमांडिंग पोजिशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। द आर्मी स्टेटेड दैट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वुमेन officers to command assignment in the rank of colonel, a major step towards bringing them at par with the male counterpart is very crucial. है ना दोस्तों, ये ध्यान रहे, आर्मी ने है ना कोई तरीके से मेल और फीमेल की इक्वालिटी करने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। 2020 का बड़ा फेमस जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, विच इज नोन एज बबीता पुनिया केस। क्या केस का नाम है? बबीता पुनिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने
आर्मी को डायरेक्ट किया था दैट वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी शुड बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन एज वेल एज कमांड पोस्टिंग इन ऑल सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट. सब में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए. ऐसा आप सिर्फ क्यों उनको कुछ ही पोस्ट देते हैं? All women officers who were granted permanent commissions are undergoing special training courses, special assignments, so that they are empowered to handle leadership roles. तो ये एक महत्वपूर्ण बात है ना सुप्रीम कोर्ट ने करी थी. ठीक है. So what are the important measures being taken by the army? This is what mentioned in this newspaper article. Please go through it. ठीक है, जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण पार्ट में रहेगा. दोस्तों ये जितने भी मॉड्यूल हम आपके सामने लेकर आते हैं इसका वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 12 महीना है. ठीक है, हर मॉड्यूल को देखिए, कमेंट में बताइए दोस्तों कितने बच्चों ने ये पूरे के पूरे मॉड्यूल देख चुके हो, बताइए दोस्तों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया अबाउट एडल्टरी. दोस्तों क्या एडल्टरी शुड बी अ क्राइम इन आर्म्ड फोर्सेस? ऑब्वियसली यस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. आपको याद होगा भारत में 2018 का एक महत्वपूर्ण केस आया था, जोसेफ साइन केस, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था. व्हाट इज एडल्टरी? एडल्टरी का मतलब होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. ठीक है, उसको हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था. हाउएवर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिविल मैटर और उसके द्वारा किसी को डाइवोर्स लेना है तो ले सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है, पर क्राइम नहीं है. ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल. 2018 का जो फेमस केस आया था जोसेफ साइन, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया, पर आर्म्ड फोर्सेस में ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है. मानो आर्म फोर्सेस में एक है ना ऑफिसर है, उस ऑफिसर के अंडर में, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, जो अंडर काम करता है, और उसकी बीवी के साथ इस ऑफिसर का कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो क्या ये बंदा उस ऑफिसर की बातों को मानेगा? ठीक है, और क्या आर्मी अपनी डिसिप्लिन है ना मेंटेन करा पाएगी? ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है. ठीक है, और होता भी है, ऐसा पॉसिबल है. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्शल प्रोसीडिंग्स के अंदर, दैट मींस आर्म फोर्सेस के अंदर, ये जजमेंट का कोई इंप्लीकेशन नहीं हो सकता. ठीक है, दैट एडल्टरी का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दैट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग ऑन द कोर्ट मार्शल. एंड कोर्ट मार्शल करने के अंदर एडल्टरी कैन बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पॉइंट. समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है ना, चलिए बढ़िया. तो दोस्तों ज्वाइन करिए प्रोटोलैंड के महत्वपूर्ण कोर्स को. हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आए हैं, इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा. दिस कोर्सेज आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर सक्सेस इन क्लैट एंड वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, सेंटर इज रोलिंग आउट अ प्रोसेस टू सेटअप 16th फाइनेंस कमीशन वेरी सून. जो आपके सामने दिख रहे हैं ये भाई साहब, इनका नाम है एन के सिंह, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, ये 15th फाइनेंस कमीशन के हैं. ठीक है, और ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है? सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बता दूं, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कैसी बॉडी है भैया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 280 के अंदर. इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. कैसी बॉडी है? कॉसी जुडिशियल बॉडी. क्या काम करता है ये कॉसी जुडिशियल बॉडी है? ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम है कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसको बैलेंस करना, विच मींस सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों का जो लेन देन है उसको अच्छी तरीके से बैलेंस करना, दैट इज द वर्क ऑफ फाइनेंस कमीशन. ये सर नो? ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 के द्वारा आता है. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेसिडेंट. ठीक है, विच इज नोन एज, विच इज डेवलप अगेन से क्विंक्वेनियली और अर्लियर, विच मींस हर 4 सालों में इसको लगाया जा सकता है. कौन उसके मेंबर होंगे? एक चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर होंगे जिसमें हाईकोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कौन कौन उसमें अपॉइंटेड हो सकते हैं. ठीक है, कितना टेन्योर होगा?
प्रेसिडेंट डिसाइड करे उतना, ठीक है, उनके पास सिविल कोर्ट जितना पावर है। क्या क्या चीजों का रिकमेंडेशन करते हैं? सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में इनकम टैक्स का जो डिवीजन है, ठीक है, वो कितना करना वो डिसाइड किया जाएगा फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नंबर टू, प्रिंसिपल ऑफ ग्रांटिंग एड, है ना, सेंटर के द्वारा स्टेट को जो ग्रांटिंग एड मिलती है कितनी मिले वो ये डिसाइड करेंगे। दे इवेल्युएट्स द राइज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू अफिक्स रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज, मतलब स्टेट के फंड में से पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज को भी कितना पैसा मिलेगा वो डिसाइड करेंगे। सीधी बात है ना, सेंटर से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा वो डिसाइड करना, स्टेट में से लोकल बॉडी को कितना पैसा मिलना, एंड देन फाइनली कुछ अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल मैटर्स को भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया था 1952 में और पहले चेयरमैन थे के सी नियोगी। कौन थे भैया? पहले चेयरमैन थे के सी नियोगी। अभी चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन जिसका टेन्योर था 2021 से 2026 तक का, और चेयरमैन है एन के सिंह, जिन्होंने आपको यहां पे दिखाया है ना, ये है उनके चेयरमैन। अभी 16 फाइनेंस कमीशन की सिस्टम चालू हुई है। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते दोस्तों। पैलेस्टाइन की न्यूज यहां पे आपके सामने लेकर आया है दोस्तों। पैलेस्टाइन की न्यूज हमने लास्ट करंट अफेयर वाले मॉड्यूल में भी बात करी थी और इंडिया का हमने आपको एजेंसी रिस्पॉन्स दिखाया था। हम आपके लिए लेकर आए इसके अंदर एक और अपडेट, विच इज एंथोनी ब्लिंकेन अपील्स फॉर पीस एज वायलेंस राइजिंग ऑन द वेस्ट बैंक। इसराइल ने पैलेस्टाइन के रीजन में बहुत सारे एरिया अपने आप में कैप्चर कर दिया, तब से पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में झगड़े चल रहे हैं। अलग अलग देश इस जगह को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया दो स्टेट की थियोरी मानता है, ठीक है, अमेरिका भी अब दो स्टेट थियोरी पे मानने के लिए तैयार हो गया है, पहले नहीं मानता था, ठीक है, अब शायद मानने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी लंबा झगड़ा चलता रहता है। दोस्तों, बजट भारत में पहली फरवरी को आता है और बजट के एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं विच इज नोन एज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट कि जो पिछला साल गया, पिछला फाइनेंशियल ईयर गया, वो फाइनेंशियल ईयर किस तरीके से आगे बढ़ा उसके बारे में यहां पे बातें होती है, ये सब हो, और इंडिया ने इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया, इंडिया ने जीडीपी का ग्रोथ कितना रखा, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ा, कौन सा सेक्टर नहीं आगे बढ़ा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या डिमांड बढ़ेगी, है ना, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में यहाँ पे बात होती है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एन्यूअल डॉक्यूमेंट, इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट इज जनरली रिटन बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो आपके सामने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, यहां पे आपके सामने दिख रहे ये भाई साहब है जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। प्लीज मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इनका नाम बताओ तो अच्छी बात है। ये प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक डिविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इट रिव्यूज प्रीवियस 12 months एंड प्रेजेंट्स इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये बताते रहते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 1950-51 में इसे पब्लिश किया गया था एंड अप टू 1964 इट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विथ यूनियन बजट। 1964 के बाद इसको डीलिंक किया गया और बजट के एक दिन पहले इसको पब्लिश किया जाता है, सेपरेट मॉड्यूल में दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के कैपिटल में काफी बड़े पंगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा मानता था कि उनके तीन कैपिटल होंगे, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल बनेगा उसका, वाइजैक दैट इज विशाखापट्टनम विल बी देयर एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड कर्नूल विल बिकम देयर जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ये बोलते हैं दैट इट विल बी शिफ्टेड टू वाइजैक, है ना, एंड वी विल हैव वन, यू कैन से कैपिटल।
इस मुद्दे को हम रेगुलरली देखते रहेंगे, ठीक, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं कोर्ट में भी पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट के बाद पहुंचा था। दिस स्टेटमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट, है ना, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पिटिशंस आर गोइंग ऑन इन अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और स्टेट ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पहुंचा था जब उनके हाईकोर्ट ने ये तीन कैपिटल का मुद्दा रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से यह मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी इसके ऊपर यह हमें जानने की जरूरत है। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया, इसके साथ जो अपडेट है वो यह है कि अदानी का जो एफपीओ था, इस एफपीओ के एक दिन पहले एफपीओ था, विच मींस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल ध्यान रखना, इट इज नोन एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ इसको बोलते हैं। अदानी का जो एफपीओ है 20,000 करोड़ रुपये का था, ठीक है, जो ये जिस दिन आने वाला था उसके कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और काफी बर्बादी हो गई, उनके पूरे स्टॉक नीचे जाने लगे और ऐसा माना गया कि फुल्ला सब्सक्राइब होगा नहीं, रिटेल के लोग उसको खरीदेंगे नहीं, पर एचएनआई के द्वारा ये फुल्ली सब्सक्राइब तो हो गया, पर फाइनली अदानी ने बोला दैट वी आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुद्दा है ना, आपको पता होना चाहिए, इस बात को हम रेगुलरली आपके सामने लेके आते रहेंगे। दोस्तों, भारत में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था उड़ीसा में, फाइनल हुआ उसका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और जर्मनी वन अगेन से दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप, देयर बाय जर्मनी के पास 3 बार जीतने की अगेन से कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है। जर्मनी विन बाई दैट दे आर इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड, है ना, एंड जर्मनी इज वन स्टेप बिहाइंड पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान 4 बार जीता है, सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान जीता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो जर्मनी ने बहुत मेहनत करके ये सिस्टम को डेवलप करा था, ठीक है, और इसकी वजह से जर्मनी का वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा लर्निंग फॉर इंडिया के लिए है, और इंडिया को इस बात को समझना चाहिए, इंडिया भी कहीं ना कहीं इगेन से हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल, है ना, भारत के लिए जरूरी है ये टीम जर्मनी की जो जीत के लाई थी, ठीक है। शांति भूषण फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड ही वाज अ बैकर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ही डाइड, ठीक है, एट द एज ऑफ समराउंड 97, ठीक है, इन वेरी फेमस केस ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है, इनका बड़ा नाम हुआ था शांति भूषण का, उनके जो से सन है प्रशांत भूषण, ठीक है, ये भी एक ऐसे काफी अच्छे लॉयर है, ठीक है, तो एक हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सेशन के एंड में बड़े काम की न्यूज, ये न्यूज अगर आप नहीं समझोगे तो आपका बड़ा नुकसान होगा, समझते हैं क्या न्यूज है। सबसे पहले हमने आपको बताया एंटोनी ब्लिंकिन सामने टू स्टेट का सॉल्यूशन के बारे में बात करना चालू किया, पहले वो तैयार नहीं थे पर अब मानते हैं। चेक रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट आए, पेत्र पावेल करके नाम है उनका, पेत्र पावेल, और पेत्र पावेल जैसे ही आए तो उन्होंने ताइवान के साथ बात करी, चाइना को नहीं अच्छा लगा कि ताइवान तो कोई अलग से देश है नहीं, आप उनके साथ क्यों बात करते हो, यू टू टॉक टू चाइना, सो देयरफॉर ही वाज अपोजिंग दैट। वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज यू शुड नो इज अबाउट आईएमएफ अप्रूव्स 4.7 बिलियन सपोर्ट लोन पैकेज फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की हालत बहुत खराब तो नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा मैनेजमेंट करने के लिए उनको पैसे चाहिए, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे थे वहां पे, फूड कॉस्ट बढ़ रही थी, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पे, और इसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने पैसे मांगे आईएमएफ को, आईएमएफ से, और आईएमएफ ने पैसे दिए। इसके साथ साथ हमें कहानी पता होनी चाहिए श्रीलंका की, श्रीलंका की हालत भी बहुत खराब है, श्रीलंका को चाहिए बेल आउट, ये सुनो, श्रीलंका को चाहिए था कि कोई उसको उस परेशानी में से निकाले, तो देयरफॉर श्रीलंका वेंट टू आईएमएफ फॉर गेटिंग लोन, एंड आईएमएफ इगेन से एक बड़ी संस्था हो गई जिसके द्वारा श्रीलंका को बेल आउट मिलने वाला था। हाउएवर बेल आउट के अंदर आईएमएफ के साथ साथ एक और संस्था का नाम आया जिसका नाम है पेरिस क्लब।
बड़े काम की न्यूज है दोस्तों, इसको बिल्कुल नोट करिएगा। व्हाट इज पेरिस क्लब? पेरिस क्लब का काम है कि जो भी कंट्री बड़े बड़े लोन लेके बैठी है, उनके प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना। उसमें टोटल 22 कंट्रीज है, ठीक है। पेरिस क्लब इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल नॉर्थ। आपको याद होगा आजकल डिबेट चल रहा है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ग्लोबल साउथ इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सदर्न ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है, जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। ग्लोबल नॉर्थ मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन, डेवलप्ड नेशंस के बारे में बात हो रही है, यस और नो, ठीक है। तो ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन से कंट्रीज है ये रहे आपके सामने, जिसमें से क्रूशियल नाम आपको क्या पता होना चाहिए, साउथ कोरिया, जापान, ब्राजील, है ना। ये कुछ ऐसे नाम है जो ग्लोबल नॉर्थ में जनरली दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप एक बिल्कुल नोट कर दीजिएगा, बाकी तो ज्यादातर कंट्रीज के नाम आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कौन से कंट्री हो गए, अमेरिका हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, ठीक है, फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, पर ब्राजील जो साउथ ग्लोबल साउथ का पार्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया भी इस ग्लोबल नॉर्थ के पार्ट है। ग्लोबल नॉर्थ पेरिस क्लब ने कहा कि श्रीलंका को 10 साल का मोराटोरियम मिलेगा, मतलब 10 साल तक अगर कोई भी तरीके का इगेंसे लोन श्रीलंका भरपाई ना करे चलेगा, और उसको 15 साल का टाइम मिला कि अपनी पुरानी जितनी भी लोन है वो भरपाई करे। तो 10 साल एक बहुत बड़ा सफिशिएंट टाइम होता है कोई भी कंट्री के लिए, और वो सिस्टम को मैनेज कर सकता है। पाकिस्तान भी आईएमएफ के पास पहुंचा है पिछले करीबन 1980 से, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पहुंचा है ना करीबन 13 बार, और 1958 से अगर हम बात करें पाकिस्तान ने 21 बार 21 टाइम्स दे हैव टेकन लोन फ्रॉम आईएमएफ। उन 21 बार में से 12 बार तो बेल आउट हुआ है, ये सुनो, ठीक है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज डन, एंड पाकिस्तान की हालत खास्ता है। पाकिस्तान का अब आईएमएफ ने जो कंडीशनलिटी रखी है, कंडीशनलिटी का मतलब जो रूल रखे है उसके अंदर, है ना, पाकिस्तान को अपना जो करेंसी रेट है वो मार्केट ड्रिवन रखने का बात बोला है। आप पाकिस्तान का रेट देखिएगा, है ना, पाकिस्तान का रुपी, पाकिस्तान रुपी वर्सेस डॉलर का अगर आप ग्राफ देखेंगे, है ना, आप खुद एक बार देखिएगा। आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट एंड देन यू विल गेट अ शॉक। एक ट्रेंड देखिएगा पिछले करीबन 20 सालों का, 10 सालों का, यू गेट अ शॉक, क्योंकि अब पाकिस्तान को आईएमएफ से जो लोन चाहिए उसके लिए आईएमएफ की कंडीशनलिटी मैनेज करनी पड़ेगी, और उस कंडीशनलिटी के लिए पाकिस्तान को ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल काम की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए, ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। कैसा लगा दोस्तों, 10 में से रेटिंग दे दीजिए इस मॉड्यूल को, है ना। 10 में से आपको एक नंबर देना है कि मॉड्यूल कैसा लगा, और ये 10 न्यूज आइटम में से कौन सी न्यूज आइटम आपको सबसे पसंद आई, ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बताइए, कोई सजेशन हो तो भी बताइए। विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर अप दैट एंड हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।